देखो बाबू, आज हमको पढ़ना है आज के क्लास में बाबू ऊष्मा हस्तांतरण की विधि, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं बाबू मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर। तो बाबू देखो एक चीज तुमको बताते हैं, मान लेते हैं बाबू एक मंगरू है, ठीक है, एक झगड़ू है, एक पिपासा पशु है, ठीक है, एगो वर्मा जी है, चलो एगो तुम्हारा कैलाश जी है, ठीक है बाबू। ऐसे बाबू तुम्हारे पांच मित्र खड़े हैं, एक लाइन में खड़े हैं, पांच मित्र बाबू क्या एक लाइन में खड़े हैं, और आपको ये लोग आपस में ऐसे खड़े हैं कि पेड़ा पेड़ा मिलेगा तो पेड़ा खाऊंगा, है ना। आप बता बाबू किस आदमी के पास क्या गया, वो पेड़ा दिया गया, एक पेड़ा उसके पास रखा गया, बोला कि तुमको क्या करना है ना कि शुरू वाला जो बाबू पहला व्यक्ति है, ये पांचवा व्यक्ति है, उसके पास पेड़ा पहुंचाना है, इसके पास पेड़ा है, पहला वाले के पास पेड़ा है, और इसको बाबू ना यहाँ तक पेड़ा पहुंचाना है। तो बाबू ये दिमाग लगाएगा, ऐसे ऐसा करते हैं ना, पांच बाबू नदी नदी में खड़े हैं, तो ये इसको दे देगा, ये इसको दे देगा, ये इसको दे देगा, ये बाबू इसको दे देगा, जिसके पास पहुंच गया, पहुंच गया बोले नहीं पहुंच गया जी, ये बाबू एक बार ये करेगा क्या, ये बाबू दौड़ते हुए चला जाएगा उसके पास, खुद दौड़ के चला जाएगा, दे देगा उसको, है कि नहीं। ये बोले क्या यार तेज फेंका फेंकी के दौड़ धड़ा कौन करेगा, सीधे क्या करते हैं ना यहीं से ऐसे फेंक देते हैं, लुक लेगा ये कैच कर लेगा, है कि नहीं है, ऐसा हो सकता है क्या। तो बाबू हमने क्या देखा, तीन मठड़ी दिखाई पड़ रहे हैं, ये इसको दे सकता है, ये बाबू इसको दे देगा, ये इसको दे देगा, ये इसको दे देगा, पहुंच गया उसके पास, ये क्या करेगा दौड़ कैसे ले बाबू उसको दे देगा, खुद ही बोलेगा आप दौड़ कर देते हैं, या ऐसा करेगा कि थोड़ा सुस्त टाइप का है, पकड़ लो हमको यहाँ भेजना है, पकड़ कैच कर लेगा, खा लेगा भाई, नहीं नहीं जाए पूछ कैसे चाट के खा लेगा बाटी से धोके खा लेगा क्या भाई, है कि नहीं है। तो बाबू देखो क्या हो गया ना, तुम्हारा ये बात समझ में आ गया कि ऊष्मा हस्तांतरण कितनी विधि हो सकती है बाबू, तब तीन तरीके से हो सकते हैं। देखो पहला विधि क्या होता है तुम्हारा, चालन, क्या होता है चालन, क्या होता है बाबू चालन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्शन, कंडक्शन, ठीक है। दूसरा बाबू क्या होता है संवहन, संवहन, संवहन को बोलते हैं कन्वेंशन, कन्वेंशन, ठीक है बाबू। तीसरा तुम्हारा क्या होता है रेडिएशन, विकिरण, विकिरण, क्या होता है बाबू विकिरण, इसको बोलते हैं रेडिएशन, रेडिएशन, ठीक है। आप देखो बाबू आपका ध्यान रखना इस चीज को, ये जो बाबू थोड़ा चालन जो होता है, ये थोड़ा बाबू देखो क्या है, नौ क्लास के एनसीईआरटी की किताब में एग्जांपल दिया हुआ है कि एक रॉड है, एक तुम्हारा क्या है भाई रॉड है जो तुम्हारा ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बाबू मोमबत्ती लगा देते हैं, मोमबत्ती तुमको बनाने नहीं आता है तो हमको तो भी बहुत बढ़िया आता है, ऐसे वो बना देते हैं ऐसे, ठीक है, और यहाँ से बाबू तुमको हीट लगा देते हैं, ठीक है ठाक बन गया, ठीक है। तुम बाबू ना यहाँ पकड़ा हुआ है समझे, यहाँ पे मोमबत्ती जल रहा है और तुम यहाँ पे पकड़ा हुआ है, तो लोहे की छड़ है जिसको तुम ऐसे पकड़ के बात कर रहा है, अरे मंगरवा आज मतलब लिट्टी चोखा के पार्टी करा जाई है जाई वगैरह वगैरह बात कर रहा है, ये बाबू धीरे धीरे गर्म हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लगा के अपना बात करा तो मगर में चला गया, ये पकड़ के बाबू बैठा हुआ है इसको, कुछ देखे बाद तुम क्या करेगा, लिट्टी हाथ में बैठ गया लिट्टी, है कि नहीं है। तो बाबू दिक्कत हो गया, तो बाबू हुआ क्या कि यहाँ का जो आग पकड़ा हुआ था ये बाबू यहाँ तक गर्म हो गया। तो बाबू क्यों गर्म हो गया, क्योंकि बाबू देखो ये वाला इसको गर्म किया, बोलो ना ये गर्म किया, ये वाला हीट बाबू इसको दिया होगा, है कि नहीं, यहाँ तक पहुंचा हीट, ये बोला कि हमको गर्म कर रहा है तुमको भी गर्म कर देंगे, ये बोले मुझको भी गर्म कर रहा है तुमको भी गर्म कर देंगे। तो बाबू धीरे धीरे हीट जा रहा है कि जा रहा है, बोलो ऐसे जा रहा है कि जा रहा है बाबू, बोलो बाबू, उसके बाद हीट पहुंच गया, बोलो पहुंचा कि नहीं पहुंचा ऐसे, तो बोलो बाबू ये ऐसे करते 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 ऐसे तुम्हारा पहुंच गया हीट। तो बाबू टाइम लगा कि लगा बोलो, इसमें लोहा ढाई से गर्म हो जाता है, ऐसे कुछ लोहा गर्म डाक देते सीधे से,
गर्म करने में टाइम लगता है, पूरा गर्म हो जाएगा तुम ताकि कैसे दुबले तक आ जाएगा पहले पूरा। जब बाबू गर्म हो जाएगा, जब ये आपका लोहा जो पकड़े हो ये पूरा गर्म हो जाएगा तो तुम खुद ही नहीं पकड़ पाएगा उसको। तो बाबू जैसे यहाँ तक भीप गर्म होता है तुम निकाल लेता है उसको, यहाँ तक उस पाना निकल आ सके है कि नहीं। आप देखो बाबू क्या होता है, देखो उष्मा ट्रांसफर जो होता है ना वो उस दाब से नीम दाब की ओर जाता है। तो यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा है, यहाँ पे गर्मी कम है, तो धीरे धीरे बाबू क्या उष्मा इधर भागेगा कि नहीं भागेगा बोलो, उस दाब से नीम दाब की ओर भागेगा कि नहीं भागेगा बोलो। तो हीट ट्रांसफर बाबू क्या होता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होता है, यानी हाई यहाँ पे हाई गर्मी बनेगा तो बाबू इधर की ओर भागना शुरू करेगा, ठंडा की ओर भागना शुरू करेगा, इसके बाद धीरे धीरे सारी चीज गर्म हो जाते हैं। ठीक है, देखो बाबू इस विधि में क्या है, तो देखो लिखो ये विधि को लिखो, उष्मा स्थानांतरण की प्रक्रिया, उष्मा स्थानांतरण की किसको बता रहे बाबू, समझ में आ गई बात, उष्मा स्थानांतरण की वह प्रक्रिया जिसमें अणुओं का वास्तविक गति नहीं होता है, नहीं होता है। समझे बाबू, इसमें देखो क्या हुआ, जब बार लोहा गर्म हुआ है, जैसे बाबू लोहा था ये, तो बाबू ये गर्म हुआ, ये इसको गर्म किया, ये वाला बाबू यहाँ तक पहुंच गया है, ये बाबू ये वाला इसको गर्म करेगा, यहाँ वाला इसको गर्म कर रहा है, अब ये वाला बाबू इसको गर्म करेगा, तो बाबू सारे अणु तो एक साथ कंपन कर रहे हैं, ये बाबू इसको गर्म किया और ये वाला इसको गर्म किया करेगा, ये इसको गर्म किया, ऐसे बाबू ऊपर से चल रहा है ना, ये यहाँ गर्म कर रहा है, यहाँ गर्म कर रहा है, तो क्या पूरा परमाणु के जो अणु है, इस धातु का अणु है, क्या एक साथ कंपन कर रहे हैं बोलो, जो बाबू एक साथ कंपन नहीं कर रहे हैं, एक साथ गर्म नहीं हो रहे हैं, तो कैसे तुम्हारा हो जाएगा ये, है कि नहीं है। तो बाबू जो ये तुम्हारा यही हो गया, तुम्हारा इसमें परमाणु की जो प्रक्रिया होती है, अणुओं की जो वास्तविक गति होती है वो एक्चुअल नहीं होती है, ये बाबू यहाँ से यहाँ तक ये गर्म किया, ये वाला बाबू इसको गर्म करेगा, ये बाबू सब फिर रुक गया, ये इसको गर्म करेगा, अब असल में तो पूरा प्रक्रिया बाबू नहीं चलता है इसमें। तो देखो ये प्रक्रिया जो तुम्हारा बाबू होता है, ये ठोस के लिए बाबू क्या है, ये ठोस के लिए आपका ठोस में भी काम करता है, द्रव में भी काम करता है, और ये आपका गैस में भी काम करता है, एक बाबू एक माध्यम और होता है निर्वात, इसमें भी आपका काम करता है। ठीक है बाबू, ठोस द्रव गैस तीनों में काम करता है, ये बाबू ठोस में भी काम करता है, द्रव में भी काम करता है, गैस में भी काम करता है, लेकिन निर्वात में काम नहीं करता है। निर्वात में काम क्यों नहीं करेगा, क्योंकि बाबू यहाँ पे माध्यम ही उपलब्ध नहीं है, तो बाबू कैसे काम करेगा, जहाँ अणु होगा, देखो बाबू इसमें अणु की आवश्यकता पड़ती है, तो बाबू इसमें निर्वात में तो कुछ है ही नहीं है, तो कैसे ही ट्रांसफर होगा, इसे निर्वात में पॉसिबल ये नहीं है। लेकिन सबसे बढ़िया किसमें काम करेगा बताओ, ठोस में। तो चालन की विधि सबसे बढ़िया कहाँ होती है बाबू, ठोस में होती है, लोहा का गर्म होना ठोस बाबू हो जाता है, ठीक है ना, जहां तो वो लगेगा बाबू धीरे धीरे गर्म हो रहा है, सुना कि बाबू क्या है चालन है। आप देखो बाबू समझ में आ गया ये कि बाबू ठोस में क्या होता है, सबसे अधिक होता है, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट बाबू हो गया, ठोस में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, ये सबसे बढ़िया किसके लिए होता है, इम्पोर्टेंट में होता है। आप देखो बाबू क्या हो गया, आप देखो संवहन, संवहन में बाबू क्या होता है, संवहन जनरली बाबू लिक्विड में ही होते हैं, पानी जो गर्म करते हैं, जैसे मान लेते हो बाबू पानी का ही बीकर है, क्या है पानी का बीकर है, यहाँ पे आप बाबू पहले लिखो नहीं, पहले समझो चीजों को, लिखा ही रहेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे तुम्हारा ऐसे आग लगा हुआ है, ठीक है ना, ये बाबू पानी पूरा भरा हुआ है, एक बार समझ में आ जाएगा तो जिंदगी भर याद रहने हैं, ये बाबू पानी भरा हुआ है इसमें, ये बाबू पानी जो होता है अभी बताया है, जो बाबू हीट होता है ना, उस दाब से नीम दाब की ओर चलती है कि नहीं है बोलो। आप देखो बाबू क्या है, मान लो पानी हुआ पहले नीचे वाला गर्म होगा, जो बाबू ये गर्म हो रहा है तो कहाँ भागेगा, ऊपर भागेगा कि नहीं भागेगा, बोले बाबा गर्म लग रहा है, भागो भागो भागो, तुम वही गर्म कर सके तो भागेगा नहीं, बोले कि जैसे ही आग लगेगा, कोचिंग में आग लग गया सब भाग जाओगे, मास्टर मरे जाए कोई मतलब नहीं है, केवल तू ही मरेगा तो हम भाग जाएंगे, यदि मेरे भागने का मौका मिला तो बाबू कोई भी चीज गर्म करते हैं तो अपने आप को भागने की कोशिश करता है। तो बाबू ये तुम गर्म किया यहाँ पे, ये गर्म हो रहा है चीजें, जैसे बाबू गर्म करेगा तो क्या भागेगा, ऊपर भागेगा, ऊपर भागेगा उससे फाड़ के निकल जाएगा, इसे जहां तक पानी है वो इतनी तक पहुंच पाएगा, ये बाबू भाग गया यहाँ आ गया,
तो जो ये भाग के यहाँ गया, यहाँ जगह खाली हुआ, बोलो ना, ये वाला ऊपर वाला पानी नीचे नहीं आएगा, बोलो। ऐसे बाबू जैसे ये गर्म हुआ, ऊपर वाला नीचे नीचे, ऊपर नीचे, बाबू होते रहता है। तो बाबू सब में गति हो रहा है कि नहीं हो रहा है बोलो, सारे में गति हो रहा है कि नहीं हो रहा है बोलो, सारे में गति हो रहा है कि नहीं हो रहा है बोलो, तो बताओ। तो ये कैसे बाबू बताए थे, एक आदमी था वो दौड़ के जाके पहुंचा दिया, ऐसे ना बाबू हो रहा है, ये दौड़ रहा है, इसको बाबू गर्म करे भाग रहा है, इसको गर्म हुआ भाग रहा है, आपस में भाग रहा है। तो बाबू चालन जो सॉरी संवहन जो तुम्हारा होता है, इसमें परमाणु का क्या होता है, वो वास्तविक गति होता है, लेकिन इसमें नहीं होता है, तो गति नहीं हो रहा है वास्तविक। बाबू जैसे देखो, जैसे बाबू ये पानी है, ये वाला व्यक्ति ही इसको ये गर्म कर रहा है, इसको भी गर्म कर रहा है, सब बाबू आपस में बाबू बिजी है, सब एक दूसरे को गर्म कर रहा है। ले तुमको रंग दे दिया, तुमको मैं दो चुप दे, ले ले तुमको तू ले तू ले, सब चुप दे रहा है बाबू, सबको होली होली खेल रहा है सब आज आपस में। बाबू इसको रंग दे रहा है, देखो सब बाबू यहाँ पे खड़ा है, पांचों मित्र यहाँ पे खड़ा है, पूरा हमको रंग देगा, ये इसको रंग दे दिया, बोले तू ले तू ले तू ले तू ले, सब ले सब सब बाबू खिला दिया, सब आपस में गर्म कर रहा है, सब बाबू गर्म हो गया। तो बाबू देखो संवहन किसे कहेंगे, उष्मा हस्तांतरण की वो प्रक्रिया जिसमें बाबू अनुभव की क्या होती है, वास्तविक गति होती है, बस हो गया। नहीं भाई लोग देखो, तो उष्मा हस्तांतरण की वो प्रक्रिया, उष्मा हस्तांतरण की वह प्रक्रिया जिसमें जिसमें अणुओं की वास्तविक गति होती है, वास्तविक गति होती है। ठीक है बाबू, उष्मा हस्तांतरण की वो प्रक्रिया जिसमें अणुओं की वास्तविक गति होती है। ये देखो बाबू, ये ठोस द्रव गैस और निर्वात, बताओ किसके किसके लिए हो सकता है, क्या संवहन ठोस में पॉसिबल है, द्रव में पॉसिबल है, द्रव में पॉसिबल नहीं है, द्रव में बाबू है, गैस में है, गैस में बाबू हो सकता है, निर्वात में बाबू पॉसिबल नहीं है, क्योंकि माध्यम में नहीं तो कहां से होगा, है कि नहीं। देखो ठोस में देखो बाबू क्या है, तुमको बताए थे बाबू जो संवहन होता है उसमें बाबू क्या होता है, अणुओं की वास्तविक गति होता है, लेकिन जो तुम्हारा चालन है उसमें बाबू ठोस में बाबू क्या होता है, उसमें वास्तविक गति नहीं होता है। जब बाबू इसमें वास्तविक गति नहीं होता है, इसमें वास्तविक गति होता है, तो क्या ठोस में काम करेगा ये, ठोस तो बाबू ऐसे गर्म होता है जैसे ठोस है ये, पहले ये गर्म होगा इसको गर्म करेगा, ऐसे गर्म होता है ये। तो बाबू देखो, जबकि संवहन जो होता है ये सबको बाबू आपस में ऐसे गर्म करने लगता है, ये है कि नहीं, सब गर्म होने लगता है बाबू, तो क्या ये ठोस गर्म ठोस में पॉसिबल है, ये ठोस में पॉसिबल है, तो बताओ ये ठोस में बाबू नहीं होता है, ठोस में पॉसिबल नहीं। ठीक है, देखो संवहन सबसे बढ़िया किस में काम करता है, संवहन बाबू सबसे द्रव में काम करता है, द्रव में बाबू सबसे बढ़िया काम करता है, समझा रहे ना भाई लोग अच्छे से 100%। पढ़ो ऐसे कि मजा जाए, इधर दे बाबू इसको, इसको करना ऊपर वाला को, देखो हैंडराइटिंग को मत जाओ, पार्टी पे जाओ, विकिरण विकिरण देखो, विकिरण में क्या था तुम्हारा, कि एक मित्र यहाँ पे था और एक मित्र यहाँ पे था, सीधे बाबू क्या कर दिया, सीधे फेंक दिया उसको, तो क्या उसको किसी चीज का जरूरत पड़ रहा है, किसी आदमी का जरूरत पड़ा, सीधे बाबू तुमको यहाँ लेके यहाँ फेंक दिए, तो किसी चीज का जरूरत पड़ा हमको, देखो इसमें बाबू कुछ नहीं होता है, इसमें क्या होता है, उष्मा हस्तांतरण की वो प्रक्रिया, उष्मा हस्तांतरण की वह प्रक्रिया जिसमें 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 किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है, जिसमें तो वह विकिरण में क्या हो जाएगा तुम्हारा, उष्मा हस्तांतरण की वह प्रक्रिया जिसमें किसी माध्यम की जरूरत की जरूरत नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, जिसमें तुम्हें किसी माध्यम की जरूरत नहीं होगी, उसे बाबू क्या कहते हैं,
अब जैसे बात सूर्य की रोशनी धरती पे आती है, किस विधि से आती है, वहां पे कोई माध्यम है, पूरा गोवा वायुमंडल में निर्वात है, लेकिन बाबू आती है कि नहीं आती है बोलो, है कि नहीं है? अब देखो बाबू, तो ये बाबू ठोस में हो सकता है, ठोस, द्रव, गैस, फिर तुम्हारा बाबू हो जाएगा निर्वात, निर्वात, निर्वात। ये बाबू कहाँ कहाँ हो सकता है बताओ, कि ठोस में पॉसिबल है नहीं, ठोस में पॉसिबल है? देखो ठोस में भी पॉसिबल है, देखो कैसे, जब तुम क्या करते हो मेरे भाई, कि जब तुम गर्मी के मौसम में छत पे जाते हो तो खाली पांव तुम्हारा पांव जलने लगता है, ये किसके कारण से गर्म हो गया, सूर्य की रोशनी के कारण से, है कि नहीं है? अब ठंडा भी हुआ हो जाता है अलग बात है, लेकिन बाबू हम बताएंगे ये चीज, तुम बोले यहाँ पर छत डाल दिए, मतलब यहाँ पे बाबू तुम्हारा क्या है, ये करकट है, तो बाबू यहाँ पर रोशनी पड़ रहा है तो क्या धरती गर्म होगी यहाँ से, तो बाबू यही गर्म हो गया, तो बाबू ये गर्मी को पकड़ ले रहा है सूर्य की रोशनी को, बोलता है कि ना तू नीचे मत जो हमारे पास रहो, लेकिन बाबू यहाँ पे शीशा लगा रहता फिर धरती बाबू गर्म हो जाता है बाबू, क्योंकि उष्मा यहाँ से सूर्य की रोशनी बाबू पार होकर धरती पर फिर पड़ने लगती, तो बाबू ये तुम्हारा गर्म हो जाता है, तो बाबू यही पर बाबू यही गर्म होके, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, यही गर्म हो गया तुम्हारा बाबू, यहाँ पे हीट नीचे नहीं आ सकता है कि नहीं है? तो बाबू यही गर्म होके बाहर भाग जाए, यही गर्म हो जाएगा तुम्हारा, तो क्या ये गर्म नहीं हुआ, तो क्या ठोस नहीं है ये, तो बाबू ठोस को भी ये गर्म कर सकता है, क्या समुद्र का पानी गर्म नहीं होता है, पोखर का पानी गर्म नहीं होता है, चापाकल का पानी गर्म नहीं होता है, कैसे पानी गर्म हो, नीचे वाला सब पांडे जी है, तरफ बाबू हो गया तुम्हारा, हुआ कि बोलो, तरफ पे भी काम करेगा नहीं करेगा बोलो, क्या बाबू हवा गर्म नहीं होता है, हम गैस में काम नहीं करेगा, में काम करेगा, ये बाबू विकिरण ऐसा मेथड है चारों में काम करेगा, ये बाबू तीनों में कब काम करेगा, जब तीनों बाबू क्या हो, क्या हो बाबू, पारदर्शी होना चाहिए, क्या हो जाए बाबू, पारदर्शी होना चाहिए, ठोस द्रव गैस पारदर्शी है, ऊष्मा का स्थानांतरण होगा, पारदर्शी का मतलब बाबू क्या हो गया, देखो जैसे बाबू शीशा लगा दिए यहाँ पे, तो सूर्य की रोशनी निकलेगी बाहर निकल जाएगा, है कि नहीं है, तो हीट तो बाबू ट्रांसफर हो ही गया जैसा दूसरे स्थान तक, लेकिन बाबू लगा देंगे लोहा, लगा देंगे जैसे लोहा है हम खड़ा हो गए, तो बाबू हम ही गर्म होंगे, फिर ये पीछे वाला लोग से गर्म नहीं होगा, मैं ही गर्म हो जाऊंगा खाली, तो बाबू हम हीट को रोक दे रहे हैं, समझ में आया बात, तो बाबू ये हो गया तुम्हारा विकिरण, उष्मा स्थानांतरण की प्रक्रिया जिसमें किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है, ये बाबू ठोस द्रव गैस निर्वात सारे चीज में काम करते हैं, ये सबसे बढ़िया किसके लिए होता है, ये निर्वात के लिए बाबू होता है, सबसे बढ़िया निर्वात के लिए, समझ आ रहा है बाबू लोग बोलो, समझ आ रहा है भाई लोग, चलो ठीक है वेरी गुड, समझ में आना ही चाहिए, आप देखो बाबू क्वेश्चन क्या पूछता है, बोले क्वेश्चन तुम्हारे से बनता है बाबू, सबसे फास्ट कौन सा मेथड है उष्मा स्थानांतरण का, जो तुम्हारा है उष्मा स्थानांतरण की सबसे फास्ट तरीका है, सबसे फास्ट, सबसे तेज तरीका, सबसे तेज तरीका, सबसे तेज तरीका है, ठीक है, जबकि बाबू सबसे सुस्त कौन होगा, सबसे सुस्त, सबसे सुस्त बाबू हो जाएगा चालक, सबसे सुस्त होगा चालक, ठीक है, सबसे सुस्त कौन हो जाएगा बाबू, चालन हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, सबसे बाबू धीरे धीरे प्रक्रिया किसमें होती है, चालन में होती है, अब देखो बाबू, अब देखो क्वेश्चन बाबू समझ में आ गया सारी चीज, क्लियर हो गया ना, अब देखो बाबू बता देते हैं, तो बाबू क्वेश्चन देखो, परमस में रखे चीज ठंडा या गरम बहुत समय तक रहता है, समय तक रहता है, समय तक रहता है, क्योंकि उसमें उष्मा का स्थानांतरण होता है, उसमें उष्मा का स्थानांतरण, उष्मा का स्थानांतरण
कौन सा? ठीक है बाबू, पहला देखो लिख दिया बाबू यहाँ पे हमको चालन, ए चालन। दूसरा बाबू लिख दिए संवहन, ठीक है बाबू। तीसरा लिख दिया बाबू विकिरण, विकिरण। चौथा लिख दिया बाबू तीनों, ऊपरी तीनों, ऊपरी तीनों। तीसरा बाबू लिख दिया ऊपर आंसर बाबू हो जाएगा तीनों, तीनों हुई होगा। रुको जरा सबर करो, ये तुम्हारा बाबू मान लेते हैं थर्मस है, थर्मस होता है ना बाबू, ऐसे बाबू थर्मस है तुम्हारा, मिल्टन का थर्मस है, कठोती बन गया बाबू तू, भगाऊ ना। चलो बाबू कोई बात नहीं, समझना है मुझको, ठीक है। अब देखो बाबू क्या ये थर्मस, मान लो थर्मस है ये, एक्चुअली बाबू क्या होता है थर्मस में देखो, इसमें बाबू कोनो चीज बाबू भरा है, जैसे बाबू चाय भरा हुआ है इसमें, तो तुम चाय के प्रेमी आदमी में चाय भर देते हैं, ठीक है। चाय हमने बाबू इसमें भर दिया, आपने अब क्या देख रहा है चाय इसमें है, तो चाय बाबू बहुत गर्म देते रहता है। देखो क्या होता है, जो ये खाली भाग है ना, ये जो तुम्हारा खाली भाग है, ये बाबू इसमें क्या होता है ना, एक लेयर के बाद दूसरा लेयर को बाबू बना दिया जाता है, इसमें से उसको हवा को निकाल दिया जाता है, ये बाबू हवा निकाल देते हैं, क्या बन गया निर्वात, निर्वात बन गया बाबू। और निर्वात बनने से तुम्हारा क्या हो रहा है देखो बाबू, कि तुम बोलेगा कि सर जी मान के चलो यहाँ पर चालन भी, जैसे बाबू ठोस है, तुमको बताए थे कि संवहन ठोस में भी होता है, ठोस में नहीं होता है सॉरी, द्रव में होता है, गैस में भी होता है। देखो ठोस में जो चालन होता है, ठोस द्रव गैस तीनों में होता है, तो मान लेते बाबू ये ठोस है, तो बाबू ये चालन आ रहा है, चलो ना बाबू, ये भी बाबू थोड़ा गर्म है, इसमें बाबू सम्मान हो रहा होगा, बोलो ये द्रव सम्मान है कि नहीं बोलो, अरे द्रव है ना, इसमें सम्मान हो रहा है कि नहीं हो रहा है बोलो, तो बाबू ये भी तो ठंडा होने के लिए भागेगा, अपना हीट तुमको बताए थे कुछ दाब से नहीं दाब की ओर भागता है, तो देखो बाबू यहाँ पे से ये भागना चाहेगा तो बीच में वो हवे नहीं है, तो माध्यम नहीं मिल रहा है उसको, तो भागेगा कैसे, देख रहा है, जब उसको माध्यम नहीं बोले बनेगा तो भागेगा कैसे, तो बेचारा वो चुपचाप रुक रहता है, पार्टनर नहीं मिल रहा है भागने के लिए, तो बाबू ये भागने का मौका नहीं मिल रहा है उसको। आप देखो बाबू क्या होता है कि जैसे तुम अब ये चालन, जैसे बाबू ठोसी है, तो बाबू मान के चलो कि ये तुम्हारा चालन भी हो रहा है, तो ये भी बाबू यहाँ तक तो आ रहा है, लेकिन बीच में बाबू हवा उसको रोक रहा है। देखो बाबू विकिरण, देखो विकिरण बाबू तीनों माध्यम में होता है, गैस द्रव कुछ भी रेशा में काम करता है, तो बाबू देखो तो बोले सही विकिरण से तो भाग जाएगा सब, अरे विकिरण होगा तो उसमें का ट्रांसफर तो हो जाएगा, इसलिए बाबू जो थर्मस बनाया है वो दिमाग लगाया कि बाबू देखो ये कब भागेगा, हीट कब भागेगा, जब ट्रांसपेरेंट होगा, है कि नहीं है, तो बाबू ये ट्रांसपेरेंट होगा तब ना भागेगा, इसलिए बाबू यहाँ पर सिल्वर लगा दिया जाता है, यहाँ पर सिल्वर कोटिंग कर दिया जाता है, सिल्वर लगा दिया जाता है, दोनों चारों सिल्वर बाबू लगा दिया जाता है, समझे कि नहीं, अब सिल्वर लगा दिया तो बाबू ट्रांसपेरेंट खत्म, ट्रांसपेरेंट बाबू रहेगा ये नहीं रहेगा, अब हीट भागेगा उसको रास्ता ही नहीं मिला जाने का, तो बाबू बोल कहते तुमको हीट तभी भाग सकता है जब बाबू ट्रांसपेरेंट होना चाहिए विकिरण के लिए, तो बाबू यहीं जाकर रुक जाएगा, तो इसलिए बाबू क्या होता है इसमें विकिरण काम नहीं करता, क्योंकि उसको बाबू कोटिंग कर दिया जाता है सिल्वर से। अब समझ में, थर्मस बाबू ऐसे बने होते हैं, सिल्वर का लेप लगा रहता है इसको, समझ में आ गया? हाँ अच्छा जी, कभी कभी जिससे चाहे के लकड़ी के कभी पर जल्दी ना हो गया, अरे भाई वो इमोशन पे डिपेंड करता है, न्यूटन का शीतलक का नियम यही कहता है कि यदि हमारे वातावरण का मौसम जरा ठंडा है तो बाबू कोई भी चीज जैसे देखो ठंडा ही लगता है, समझ में आ गया बाबू सबको, अरे बाबू बताओ चीजें समझ में आना चाहिए। अब देखो बाबू जैसे ये बच्चा बोल दिया, ये बच्चा बोला कि सर जी ऐसा हो गया तो क्या किया जाए, अब देखो मेरे भाई ये न्यूटन का शीतलक नियम क्या कहता है, शीतलक नियम, न्यूटन का शीतलक नियम क्या कहता है,
मान लेते हैं बाबू कि ये हमारा बाल्टी है, बाल्टी बाबू हम लोग चाय पी रहे हैं, ठीक है बाबू कप बना लेते हैं, रफे कप बना लेते हैं बाबू, कोई दिक्कत नहीं है, चाहिए पीना है ना, एक बाबू और कप बना लेते हैं, आइए बाबू ना, ये तुम्हारा पड़ रहा है अपन नैनीताल में, ठीक है ये बाबू कहाँ हम लोग नैनीताल में चले गए, पर्वतीय इलाका में चले गए हम लोग, यहाँ बाबू चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आप देखो बाबू हम मान लेते हैं कि यहाँ पे बाबू तुम्हारा टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब वातावरण का टेम्परेचर कितना है बाबू 20 डिग्री सेल्सियस, और बाल्टी का बुआ कितना है तुम्हारा 45 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। लकड़ी पे रखो कहीं रखो कोई दिक्कत नहीं। देखो चीजें बाबू क्या होते हैं आप समझो, चाय बाबू जब छानते हैं तो उबलता 100 डिग्री सेल्सियस पे है, नहीं छानने के बाद वह कुछ कम हो जाता है, तो हम मान लेते हैं कि चाय बुआ गर्म है 90 डिग्री सेल्सियस, यहाँ बाबू छान के निकाले तो 90 डिग्री सेल्सियस ही गर्म होगा, ठीक है। चीजें देखो बाबू चीजें देखते हो आप बाबू, मान लो ये तुम्हारा कहाँ है हम लोग बास्टी में, ये तुम्हारा बास्टी है, ये तुम्हारा बाबू नैनीताल है, नैनीताल शादी के बाद जाना नैनीताल, ठीक है। आप देखो बाबू क्या हो गया, ये बास्टी है बाबू, देखो यहाँ से हीट कितना भागेगा, तो कितना का अंतर बाबू हीट का 45 का, देखो बाबू 45 डिग्री सेल्सियस का अंतर है, यहाँ बाबू कितना का अंतर है 70 का, तो तुमको बताए थे उष्मा जो होता है बाबू वो उस दाब से नींद दाब की ओर भागता है, देखो यहाँ का मौसम बाबू 20 डिग्री टेम्परेचर पर ठंडा है, ठंडी का मौसम है तुम्हारा चाय जल्दी ठंडा हो जाता है, तुमको लाइन लिखता है कि चाय हो जाता है बर्फ बन जाता है, क्यों क्योंकि बाबू हमारे मौसम का टेम्परेचर बहुत कम हो गया है, चाय गर्म था ना भाई, लेकिन बाबू जो मौसम ठंडा है ना तो बाबू जो चाय है ना अपना हीट जल्दी देते रहे, गर्म हो जल्दी से है कि नहीं है, तो बाबू अपना हीट जल्दी दे दिया, इसको भेज दिया ले ले तू ले जल्दी से जल्दी ले, हम ठंडा करो हमको थोड़ा गर्म कर दिया है, तो अपना हीट बाबू जल्दी दे दिया 70 का अंतर है जल्दी ठंडा हो जाएगा बाबू, लेकिन यहाँ बाबू 45 का ही अंतर है, बाबू पहले से गर्म है मौसम ले 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 अरे हम पहले से गर्म काले ले 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 और उठा धीरे धीरे दे है कि नहीं बाबू, तो ये बाबू तुम्हारा क्या हो जाएगा ये धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा, तो गर्मी के मौसम में चाय धीरे धीरे ठंडा होता है, ठंडी में हम अच्छे ठंडा हो जाता है, का है कि तुम्हारा मौसम का जो डिफरेंस है ये बहुत अधिक है, यही बाबू नियंत्रण का शीतला का नियम भी करता है, यही बात यदि मौसम आपका जरा ठंडा है यदि आपका वातावरण जरा ठंडा है तो जल्दी ठंडा हो जाएगा, ये वातावरण पर डिपेंड करता है कि वातावरण कैसा है यहाँ, ठीक है। तुमको विश्वास नहीं होता चले जाओ तस्वीर ग्रुप पर चाय पीना बैठ के, छाने का ठंडा हो जाएगा, तो बाबू 0 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पे चाय 90 वह ही जल्दी हो जाएगा, 5 छोटा मारेगा उसी में चाय ठंडा, समझे ऐसे का फूक फाक पीना चाहिए, फूक फाक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, अरे फूक फाक बीड़ी नहीं होता है चाय होता है, ऐसे पीता ना देखो फूके फाक कर गए बाबू स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है उसके, ऐसे से जल्दी मर जाता है, तुम काहे काम करो जिसको अच्छा लगता है सिगरेट बीड़ी कुछ भी पिए पीने दो उसको, अपना ठीक रहो ना, अरे कुछ का मतलब हमको मतलब नहीं है, कौन क्या है नहीं है डजंट मैटर, मैटर ये रखता है कि आप कैसे हो, आप कैसे हो। तो बाबू हम पढ़ा रहे थे एक बच्चे को बोला कि सर जी हम पढ़ने में बहुत कमजोर हैं, मतलब कमजोर तो बाबू कोई नहीं होता है, ये तुम्हारा धारणा है कि तुम कमजोर हो, लेकिन वास्तव में कमजोर कोई नहीं होता है। हम बोले बाबू तुमको क्या करने अच्छा लगता है, बोला सर जी हमको क्रिकेट खेलने में बहुत अच्छा लगता है, जनरली आप लोगों में से बाबू क्रिकेट खेलने में बहुत अच्छा लगता होगा, कितने लोग क्रिकेट बढ़िया खेल लेते हो इसमें ईमानदारी से बताओ, एक आदमी दो आदमी मतलब सभी लोग बाबू क्रिकेट खेलते हो इसमें ठीक ठाक खेल लेते हो, क्यों खेल लेते हो कितना समय दियो इसको, आपने उसको कितना समय दिया है, बहुत टाइम दियो तो तुमको बहुत अच्छे से आता है, क्या आप पढ़ाई पे टाइम दिए हो, इतना बढ़िया से पढ़ाई पे टाइम दिए हो जो आपको पढ़ाई आएगा, जिसको जितना समय देंगे वो आपको इतना समय देगा है कि नहीं, आपने क्रिकेट को जितना समय दिया है इवन हम भी दिया है, हम ही बर्बाद हुए फिर बाद में छोड़े हैं बाद में पढ़ाई किए तब तो यहाँ तक पहुंचे, ठीक है ना। तो बाबू आप जिसको समय दोगे वो आपको मूल्यवान बनाएगा, अगर आप क्रिकेट खेलने में ज्यादा समय दे रहे हो तो अब आप क्रिकेट में बेहतर बनोगे पढ़ाई में बेहतर नहीं बन सकते हो, अरे विराट कोहली को देखो रोहित शर्मा को देखो 11-12 पास है कि फेलू होगा कोई नहीं जानता है, लेकिन बस यही चीज़ है बाबू अंग्रेजी बोल लेता है वो लोग का कल्चर है इसलिए अंग्रेजी बोल लेता है, हमारे समाज में बाबू कोई मैट्रिक खेला जाए अंग्रेजी बोले ना
अरे फनामा के बेटा बाप रे बाप अंग्रेजी झाड़ता है, बड़ी तेज पढ़ने और मैथ में कहीं है लुलू, उसको कोई मतलब नहीं है। अरे तुम बोलते हो अंबानी जी बहुत पैसे वाले हैं, वो है पैसे वाले, लेकिन अपना गुना भाग खुद नहीं करते हैं, उनके लिए उसके लिए चार्टर अकाउंट बैठा लेते हैं। तो क्या मतलब है, ज्यादा पढ़ोगे वो नुकसान है, ज्यादा पढ़ोगे तो कहीं बड़े आदमी का नौकर बनना पड़ेगा। देखो जितना भी बाबू आज इंडिया में जितने भी लोग हैं जो लाइक करते हैं, 90% लोग बाबू 99% लोग के बारे में बात कर रहे हैं, कम पढ़े लिखे हैं राजा है, ज्यादा पढ़े लिखा है किसी न किसी का नौकर। इसलिए उचित पढ़ो, बहुत ज्यादा पढ़ लेगा तो भी नौकर बनना पड़ेगा, इसलिए इतना पढ़ो जिससे काम मेरा निकल जाए। इसलिए ज्यादा पढ़ लेगा कहीं ना कहीं तुमको नौकरी करना पड़ेगा। आज इतना वो अंबानी टाटा कुछ भी है, टाटा अंबानी अपने से नहीं बने हुए हैं, उनको लोग बनाए हैं, उनके नीचे बाबू बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट आईआईटी आईआईटीएन न जाने कहां कहां के लोग काम करते हैं यहां पे, क्या वो लोगों का नाम चलता है? लेकिन बनाया कौन है? वो लोगों ने उनको, लेकिन उसका नाम चलेगा? नहीं चलेगा, टाटा की कंपनी है। होता है क्या, क्या कार बनाने वाले का नाम चलता है? कार बनाया इंजीनियर, ट्रैक्टर बनाया इंजीनियर, नाम किसे चलता है? टाटा की कंपनी की। फैमिली बाबू देखो यही बात है, बनाने वाला कोई और है, नाम किसी और का चलता है। इसलिए बाबू बोले कम पढ़ो, बढ़िया पढ़ो, उचित पढ़ो, काम तमाम करो, ज्यादा पढ़ोगे किसी का नौकर बनना पड़ो। चलो बाबू समझ आ गया ना ये? चलो रहने देते नहीं तो चलो ठीक आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।